स्टॉन चेक करें मुड़ी का। ओए होए होए क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अच्छा आज मैं एक व्लॉग बनाऊंगा अपनी मुर्गियों पे। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे कुछ मुर्गियाँ हैं, 6 मुर्गियाँ 1 मुर्गा। ये मेरा छोटा सा रूम है, ये आज इनका माशाल्लाह से आज व्लॉग बनेगा। ये देखिए अंडे, 2 3 6 मुर्गियाँ और 5 अंडे। इनको आज थोड़ी देर खोलते हैं और ये इनके ना आज आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन क्यों होगा वो आपको मैं बताता हूँ, वीडियो के एंड में पता लगेगा। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे घर की अपनी मुर्गियाँ हैं, खुद ही मैंने इनक्यूबेटर में एग, इससे पहले भी जो मुर्गियाँ थी वो उनके अंडे मैंने इनक्यूबेटर में रखे थे और खुद ही बच्चे निकलवाए हैं। ये माशाल्लाह से काफ़ी 1-1.5 साल की होगी और अंडे भी सारी मुर्गियाँ दे रही हैं। स्टॉन चेक करें मुर्गी का। ओए होए होए क्या बात है, क्या बात है मुर्गी की। तो ये आज इनका आखिरी दिन है, ये सारी आज ज़िबा हो जाएंगी। चलें ये इनको दाना पानी करते हैं। ये साफ पानी सबसे पहले हम डालेंगे। ये भी सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने इनको कुछ भी नहीं डाला। और मैं आपको थोड़ी टिप्स भी बताता हूँ कि अंडे वगैरह इनसे कैसे लेने। ये देखें घर की चीज़ें हैं, नीचे पालक है जो नीचे मैंने बर्ड्स को डाला था, उसके थोड़े बहुत पत्ते जो बच गए थे और ये चावल थोड़े बहुत बच गए थे। मुर्गियाँ रखने का ये फ़ायदा है कि आपकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। ये देखें सारी खाने पीने लग गई। अच्छा जी, मैं आपको बताने लगा था कि इनसे अंडे बच्चे और इनकी खुराक का क्या ख्याल रखें। सबसे पहले तो मैंने काफ़ी अरसे से कोई 6-7 साल से ही मुर्गियां रख रहा हूँ। पहले सील वगैरह भी थे लेकिन अब देसी रखे हैं। ये फ़िलहाल अंडे के लिए रखी थी, सील तो अपना शौक़ था लेकिन वो फ़िलहाल ख़त्म कर दिया अपना शौक़। सबसे पहले तो आप कोशिश ये किया करें कि घर का जमाल है वो इनको डाला करें। बाकी मैं इनको डालता हूँ 14 नंबर फीड। 14 नंबर फीड थोड़ी गर्म होती है, वो अंडों के लिए होती है। दिन में मैं एक दफ़ा तकरीबन 1 पाव फीड, ये मैं 7 मतलब 6 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा, ये 7 पीस को मैं ये तकरीबन 1 पाव फीड देता हूँ। बाकी ये सारा सामान घर का होता है। बाकी आटे की गुठलियाँ बना के गोल गोल करके वो भी मैं इनके पास डाल देता हूँ, उससे उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। और जब ये बच्चे थे ना, मैं उस वक्त इनको 14 नंबर फीड डाल रहा था जो कि हेल्थ के लिए होती है, ग्रोथ अच्छी होती है उनसे, वो भी मैं उनको उस वक्त डाल रहा था। तकरीबन 1 पाव ही डाल रहा था, 1 पाव खा जाते थे। ये देखें अभी फ़िलहाल ये घर की चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। बाकी मेरे पास भी वो 13 नंबर, पता नहीं 13 थी 14 थी, मैं भूल गया हूँ, वो इनको फीड डालूंगा जब ये इनको मैं बंद करूंगा। अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे चावल वगैरह खा लें, पालक थोड़ी सी पड़ी हो खा लें। बाकी मैंने ये इनका हिसाब लगाया, जितनी गंदगी इनकी रखो ना उतनी साफ़ रहते हैं। पहले मैं ये करता था कि हर हफ्ते हर 2 हफ्ते बाद इनकी सफाई करता था, कोई तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, तो कोई ना कोई मर मुड़ जाता था। अब तकरीबन मैं महीने बाद इनके सफाई करता हूँ। ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये देखिए कितना गंद पड़ा है। महीना हो गया मैंने अंदर की सफाई नहीं की और
कुछ सारा हेल्दी, सारा कुछ, सारे बर्ड हेल्दी थे, इनको कोई कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं महीने महीने बाद ही सफाई करता हूँ। थोड़ा बढ़ के गंद निकलता है इनका। आज तो बड़ा लेकिन इनका आखिरी दिन होगा, सारी ज़िब्बा कर देनी है। चले मैं आपको बता देता हूँ, ज़िब्बा इसलिए करनी, आगे रमज़ान आ रहे हैं और गर्मियाँ भी आ रही हैं, इनकी केयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ये ज़िब्बा करने लगूँ। और ये मैं कह चलें आज अपने चैनल पे इनका व्लॉग अपलोड करते हैं। चैनल तो बर्ड्स का है, लेकिन ये भी एक किस्म के बर्ड्स ही हैं, इनके भी व्लॉग चलेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में कभी और कुछ रखा इस तरह की चीज़ें, उस पर भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। बाकी मैं आपको ना थोड़ी जो मैंने शेड बनाना है उसकी अपडेट देता हूँ। ये देखें, ये फाइबर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नीचे भी मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं। बाकी ये सारा हिस्सा तोड़ के प्रॉपर पोर्शन बना के इंशाल्लाह इसे इतना इतना हिस्सा जो कैमरे में आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा इंशाल्लाह बर्ड्स का शेड बनेगा। वो चलें बाद पे एक वीडियो बनेगी प्रॉपर कि किस तरह के मैंने शेड बनाना है। अभी मुर्गियों पे आते हैं, मैं थोड़ा बहुत ये खा लें, फिर मैं इनको बंद करके नीचे चलता हूँ। 5-6 मिनट का व्लॉग बन जाएगा, वो काफ़ी है। बाकी मैंने आज तक इनको कोई मेडिसिन नहीं दी, बस जब ये बच्चे थे 10 दिन के उस वक्त मैंने इनकी वैक्सीनेशन की थी। वैक्सीनेशन पता नहीं ये क्या नाम था उनका, ये चबुड़जी ऐप पे हैं काफ़ी, ये पोल्ट्री की दुकान है, उनसे मैंने वैक्सीनेशन ली थी। वो एक ड्रॉप आँख में और एक ड्रॉप मैंने मुंह में डाला था इनके, या 10 दिन के बच्चे को डाले और फिर 3 महीने बाद ये 2 दफ़ा वैक्सीनेशन कर लें मुर्गियों की, इंशाल्लाह आपकी ये मुर्गियाँ सेफ़ रहेगी, इनको कोई कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास तकरीबन 18-20 थी, ये बाकी मैंने ज़िब्बा कर लिया, ये बस थोड़ी सी रह गई हैं। चलें जी अब इनको बंद करते हैं, काफ़ी खा लिया, बाकी अंदर जा के ही खाएंगे। ये मैं अंदर रख देता हूँ, बाकी कल ये जो नीचे गिरा ये चिड़िया वगैरह कबूतर खा जाएंगे, कबूतर भी इधर काफ़ी आते हैं। पानी थोड़ा और डाल के रख देते हैं। बाकी ये रही 13 नंबर फीड, ये भी मैं अंदर डाल देता हूँ। कुछ मुर्गियाँ आती हैं जो ये फीड खाती नहीं, उसका मैं आपको एक हल बताता हूँ। अगर आपकी मुर्गियाँ फीड नहीं ना खाती, थोड़े से खाती है फिर छोड़ देती हैं, आपने क्या करना, ये फीड ली उसके अंदर ना ऐसे पानी डाल दें, पानी डालेंगे ना बड़े शौक से खाएंगी। चलें ये अब सारा ये तकरीबन 1-1.5 घंटे तक ख़त्म कर देंगे। बाकी इनको भूख लगाया करें, ये उतना दिया करें जो आधे 1.5 घंटे में ख़त्म कर दें। बाकी इनको फिर दोपहर को फिर शाम को 3 टाइम पड़ पड़ थोड़ा थोड़ा करके डालें, हर टाइम इनके पास पड़ा रहेगा ना, ये कोई इतने शौक से फिर खाते नहीं, ज़ाया करती हैं, इसलिए मैं थोड़ा डालता हूँ जितना ये खा लें ताकि ज़ाया ना हो। बाकी ये थोड़ा बहुत खा लें और दोपहर को या शाम को इंशाल्लाह इनको ज़िबा करेंगे। चले ठीक है जी, शानी भाई को दीजिए इजाज़त, सुबह सुबह का टाइम है, नीचे बर्ड्स का भी काम करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इनकी ज़िब्बा करने की वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है यूट्यूब पे। तो शानी भाई को दीजिए इजाज़त, वो मैं छोटे छोटे क्लिप ऐड करूँगा। तो शानी भाई को दीजिए इजाज़त, दो में याद रखिएगा। अल्लाह।